उद्धव ठाकरे ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, जनता ने दिए दिलचस्प रिएक्शंस। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों पर जोरदार प्रहार किए हैं। सामना के संपादकीय में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला गया है तो आरएसएस की काली टोपी पर भी सवाल उठाया गया है। यही नहीं, दाऊद इब्राहिम को लेकर भी बात कही गई है कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो बीजेपी वाले उसे भी मंत्री बना देंगे। सामना में लिखा है, कश्मीर में फिलहाल हिंदू पंडितों पर ही नहीं बल्कि देशभक्त नागरिकों पर आतंकियों के अमानवीय हमले शुरू हो गए हैं। राहुल भट्ट नामक कश्मीरी पंडित युवक पर आतंकियों ने सरकारी कार्यालय में घुसकर हमला किया और कत्ल कर दिया। इसके बाद कश्मीर का हिंदू समाज सड़क पर उतर आया। पुलिस ने हिंदुओं पर आंसू गैस के गोले दागे। हिंदू समाज ने मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी की। उद्धव ठाकरे ने इन हालातों को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। राहुल भट्ट को जहां मारा वहां अब हनुमान चालीसा पढ़ी जाए क्या? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आगे तीखे सवाल पर जोर देकर कहा, भगवा टोपी पहनने वालों को आप प्रखर हिंदुत्ववादी मानते हैं, फिर आरएसएस की टोपी काली कैसे? इस सवाल का जवाब अब संघ को देना होगा। महज 13 वर्ष के देवेंद्र फडणवीस ने राम मंदिर के आंदोलन में हिस्सा कैसे लिया? इस ढोंग का मुखौटा ही उद्धव ठाकरे ने फाड़ दिया। केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा राजनीतिक विरोधियों को खत्म कर रही है। झूठे रास्तों से हमारे पीछे पड़ने वाले होंगे तो आपके प्रति भी दया माया क्षमा नहीं दिखाएंगे, महाराष्ट्र से भागने को मजबूर कर देंगे, ऐसी चेतावनी ठाकरे ने दी। ठाकरे के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। अपूर्व नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, कुछ लोगों को जनता की धार्मिक भावना से खेलना बेहतर आता है, हम अनजाने से ही सही उनकी साजिश में शामिल हो जाते हैं। अपने वास्तविक मुद्दों से भटक के जो भूखों मर रहा है वो आपके धर्म या जाति का नहीं है। बेरोजगारी क्या हिंदू या मुसलमान का प्रश्न नहीं है, भारतीय नागरिक बने, नागरिकता समझे। एक और सोशल मीडिया यूजर ने तंज के रूप में लिखा, इनके काले कर्मों की वजह से काली ही गई है, वरना असल में वो भगवा ही थी। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, क्योंकि काली टोपी के काले रंग में सब काले कारनामे छुपाए जा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल न्यूज आप तक पहुंचती रहे।